हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ एबीटी वॉश। आज हमारे पास जो गाड़ी है होंडा एक्टिवा, गाड़ी 2009 का मॉडल है, गाड़ी 12 साल पुरानी है। गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, गाड़ी फ्लड एरिया में फंसी हुई थी। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बाई क्लिकिंग ऑन द रेड बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गाड़ी के सभी स्क्रूज और नट बोल्ट बहुत ही रस्ट में फंसे हुए थे। गाड़ी पानी में रहने के वजह से स्क्रू और नट बोल्ट आसानी से नहीं निकल रहे थे, तो हमें उन्हें निकालने के लिए गैस वेल्डिंग की भी मदद लेनी पड़ी। गाड़ी खोलने के बाद गाड़ी का काम शुरू करने से पहले सभी पार्ट्स को हमने डीजल लगाकर वॉश किया है। गाड़ी के व्हील में भी रस्टिंग प्रॉब्लम थी, इसीलिए गैस वेल्डिंग करना जरूरी था, इसीलिए टायर निकालने के बाद गैस वेल्डिंग करके लिया है। कस्टमर ने मड़गाड़ को भी परमानेंटली वेल्डिंग किया था, हमने उसे निकालकर नए फिटिंग्स गैस वेल्डिंग की मदद से बिठाए हैं और मड़गाड़ को भी चेंज कर दिया है। ज़्यादातर सभी पैनल में बाहर और अंदर दोनों तरफ से ही रस्टिंग लग चुकी थी। रस्टिंग हटाकर जहाँ जहाँ पे सैंडिंग किया है वहाँ वहाँ पे प्राइमर मार के लिया है, ताकि बेयर मेटल ज़्यादा देर तक खुला रखने से फिर से रस्टिंग होने के चांसेस थे। हमारा अगला स्टेप जो होगा वो है पार्ट्स को सैंडिंग करने का। कुछ पार्ट्स का कलर बहुत ही डैमेज हो चुका था, इसीलिए उन पार्ट को स्ट्रिप किया है
और पार्ट्स के दोनों तरफ अंदर और बाहर से एंटी रस्ट कोट मार के लिया है ताकि फ्यूचर में रस्टिंग इश्यूज ना हो और गाड़ी की लाइफ भी बनी रहे। एंटी रस्ट कोट मारने के बाद जहाँ जहाँ पैनल्स में ज़रूरी था वहाँ पे पुट्टी एप्लीकेशन किया है और उसे सैंड करके लिया है और पार्ट्स को रेडी किया है प्राइमर एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले प्लास्टिक पार्ट्स पे प्लास्टिक प्राइमर या उसे अधेशन प्रमोटर भी कहते हैं वो मार के लिया है ताकि प्राइमर की बॉन्डिंग अच्छी हो। प्लास्टिक प्राइमर मारने के बाद प्राइमर मारना शुरू किया है। प्राइमर को सैंड करके लिया है और बेस वर्क के लिए तैयार किया है।
नीचे पार्ट जैसे कि इंजन, व्हील्स, हैंडल्स सभी को ग्लॉसी क्लियर कोट का एप्लीकेशन किया है। गाड़ी के बॉडी पार्ट्स का कलर मैट था, इसीलिए मैट क्लियर कोट का एप्लीकेशन किया है। एक्टिवा के गार्ड्स जो कि क्रोम में थे बहुत ही डल पड़ चुके थे, इसीलिए उनको बफिंग करके लिया है और आप देख सकते हैं बफिंग करने के बाद गार्ड्स एकदम न्यू लग रहे हैं। ज़्यादातर स्टिकर्स क्लियर कोट मारने से पहले लगाते हैं, लेकिन पहले कस्टमर चाहते थे कि क्रोम मोनोग्राम लगाया जाए, लेकिन बाद में हमने यही तय किया कि ब्लैक स्टिकर्स ही उस पर अच्छे जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और एबीटी वॉश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए गाड़ी के फाइनल शॉट्स देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एबीटी वॉश।